રાજ્યમાં પડી રહેલી આકરી ગરમી વચ્ચે રાહતના સમાચાર સામે આવ્યા છે। હવામાન વિભાગ અનુસાર આજથી તાપમાનમાં 1 થી 2 ડિગ્રી ઘટાડો થશે। દરિયાઈ વિસ્તારોમાં હોટ એન્ડ હ્યુમિડ કન્ડિશન હોવાના કારણે રાજ્યમાં પવનની ગતિ ખૂબ જ વધુ રહેશે। અમદાવાદમાં ગઈકાલે તાપમાન 43.2 ડિગ્રી નોંધાયું હતું અને ગાંધીનગરમાં તાપમાન 43 ડિગ્રી નોંધાયું હતું। પવનોની દિશા બદલાતા ગરમીથી રાહત મળશે। आने वाले हफ्ते की बात करें तो गुजरात में मुख्य तौर पर वेदर ड्राई बना रहेगा। साथ ही साथ हम बात करें पिछले 24 घंटों में कैसा रहा मौसम गुजरात में, तो मुख्य तौर पर पिछले 24 घंटों में जो है किसी भी तरीके की रेनफॉल दर्ज नहीं की गई है। साथ ही साथ अधिकतम तापमान जो अहमदाबाद में दर्ज किया गया 43.2 डिग्री सेल्सियस तथा गांधीनगर में 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। साथ ही साथ ये तापमान जो है पिछले 24 घंटों में फॉलिंग टेंडेंसी में रहा है और आगे आने हफ्ते में भी जो है अधिकतम तापमान जो है अपने 9 लाख चेंज में बना रहेगा। विद फॉलिंग टेंडेंसी 1-2 डिग्री की गिरावट जो है अधिकतर हिस्सों में देखने को हमें मिल सकती है।